सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 विषय संस्कृत की ये कक्षा है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपन संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण में अपन ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन तीन संधियों के बारे में जो है अपन ने अध्ययन कर लिया था। इनको अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे यण संधि। नंबर चार पे है अपने यण संधि। तो आज यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका सूत्र। यण संधि कौन सा सूत्र करता है? तो इसका सूत्र है इको यणसी। सूत्र में ही इसका अर्थ निहित है। जैसे कि इसमें कहा कि इको यणसी, इक के स्थान पे यण होता है। इक के स्थान पे यण होता है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक में आएंगे पे यण हो जाएगा। ठीक है, असमान स्वर कैसे? जैसे ई ई इधर आ गया तो आगे पहले पद के अंत में ई ई आ गया तो उसके बाद में ई नहीं आना चाहिए, ई ई नहीं आना चाहिए। पहले पद के अंत में ऊ ऊ आ गया तो बाद में ऊ नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इधर ई ई आ गया, उधर भी ई ई आ गया तो वहां पे तो समान स्वर आ जाएगा। तो समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो यण संधि होगी नहीं। इसलिए कहा कि ई के बाद में क्या है? असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे यह हो जाएगा। देखो इसका इको यणची। ठीक है, क्या कहता है? देखो जब इक का मतलब ई ई उ री और लि के बाद में कोई असमान के बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो वहां क्या होती है? यण संधि होती है। जब इक ई ई उ री और ली के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहां पे यण संधि होती है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसमें यण संधि का जो है, अब ये आपको पता चल गया कि जब ई ई उ और ली ये आएंगे पहले पद के अंत में और उसके बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वहां पे यण संधि होगी, वहां पे यण संधि का नियम लगेगा। ठीक है, अब पहला जो नियम है वो देखते हैं कि जब ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर ई या ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाता है। ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ई या ई के स्थान पे यह आदेश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ई या ई के स्थान पे यह हो जाएगा। ठीक है, देखो उसके नियम के आधार पर क्या हमको बताया? ई बराबर ई के बाद में असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं। पहले पहले नियम के उदाहरण, जैसे
प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम, प्रति में ती में ई, और इधर ए, इधर तो आ रहा है ई, इधर आया ए, तो ई के बाद में समान स्वर तो आ ही नहीं रहा। समान स्वर आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा। इधर आ रहा है ती में ई, और इधर आ रहा है ए, असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ई को हो जाएगा ये, ई को क्या हो जाएगा? ये। तो जब ई के स्थान पे यह हो गया तो ये स्थिति हो जाएगी, प्र त ई के स्थान पे यह और एकम, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे, मिला के लिखेंगे तो देखो मिला के लिखेंगे तो जाएगा आ जाता है ई के स्थान पे यह हालत है, इसमें जाएगा एकम का ए, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। क्या बन जाएगा? प्रत्येकम, ठीक है। इसके बाद में इति अत्र, इति अत्र का क्या बन जाएगा? इति अत्र, इति अत्र का क्या बनेगा? इति अत्र। और प्रतीकवाच, प्रतीकवाच इसका बन जाएगा प्रत्युवाच, प्रत्युवाच, ठीक है। ये ती में जो ई है इसका हो जाएगा ये, और वो आ जाएगा वो मिल जाएगा ये में प्रत्यय हो जाएगा प्रत्युवाच। इत्यत्र दधि अत्र इसका बन जाएगा दध्यत्र, दधि अत्र दध्यत्र। प्रति आ है, प्रति आ है, प्रत्याह है, प्रति आ है, प्रत्याह है। देखो प्रतीक ती में ई जो है उसके स्थान पे यह, तो तय हल हो जाएगा प्रत्यय, यह में मिल जाएगा आ है का आ, तो प्रत्याह है यह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले नियम के उदाहरण, प्रति एकम, प्रत्येकम, इति अत्र, इत्यत्र, प्रतिवाचन, प्रत्युवाचन, दधि अत्र, दध्यत्र, प्रति आ, प्रत्याह, ठीक है। यहाँ पे सब में ई आ रहा है, सब जगह ई आ रहा है, और यहाँ पे अ उ अ न आ या, मतलब असमान स्वर आ रहा है। इधर तो ई आ रहा है, इसके बाद में ई नहीं आ रहा, असमान स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पे यह हो गया, तो बन गया इत्यत्र, प्रत्युवाच, दध्यत्र और प्रत्याह, ठीक है। ये तो एक पहले नियम होता है। अब दूसरा नियम देखो, दूसरे नियम में जब उ या उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व ह्रस्व उ या दीर्घ उ, जब उ या उ के बाद में कोई असमान स्वर आए, जब उ या उ के बाद में कोई असमान स्वर आए, तो उ या उ के स्थान पर वह, उ या उ के स्थान पे वह आदेश हो जाता है, उ या उ के स्थान पे वह आदेश हो जाता है, वह होगा हलन, वह कैसे होगा? हलन होगा, ठीक है। तो देखो इधर एक नियम भी बताया यहाँ पे, उ ह्रस्व और दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ उ, और उसके बाद में क्या आना चाहिए? इसके बाद में आना चाहिए असमान स्वर, क्या आना चाहिए? असमान स्वर। तो असमान स्वर आ गया इधर हुआ, उसके बाद में असमान स्वर, तो बराबर क्या हो जाएगा? वह, क्या हो जाएगा? वह। कैसे देखो, मधु अत्र, मधु अत्र, मधु में धु में क्या है? उ, ठीक है। और इधर क्या है? ए, इधर तो उ, इधर ए, मतलब उ के बाद में समान स्वर नहीं आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, उ के स्थान पर जाएगा वह, तो उनके स्थान पे वह जब जाएगा, तो उनके स्थान पे जब वह हो जाएगा तो दहरन, तो फिर बन जाएगा मधुपत्र, मध्वत्र, मध्वत्र, मधु अत्र, मध्वत्र,
मत मत थत्थर धरंत धैमे धैमे ने हुआ उसके दिन में बाय कर्म मिल जाएगा आपका आय मधुत्र और मधु धन हरी इसका बन जाएगा मधुरी मधुरी क्या बन जाएगा मधुरी वधु आगमन इसका बन जाएगा वध्वा वध्वा गमनम वध्वा गमनम वधु वधु आगमनम वध्वा गमनम ठीक है। और इधर चमु चमु आगमनम चमु आगमनम इसका बन जाएगा चम चमुवा गमनम चमुवा चमु आगमनम इधर बन जाएगा चमु आगमनम चमुवा गमनम चमुवा कर मा ना मैं चमुवा गमनम वधु वधु आदेश है वध्वादेश है वध्वादेश है वधु आदेश है वध्वादेश है वधु आदेश है वधु के स्थान पे वह वध्वादेश है। बटर सु आगतम सुके को वह स्वागतम क्या हो जाएगा स्वागतम स्वागतम सु सुके को वह तो बन जाएगा स्वागतम ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला नियम तो ये हुआ ई या ई के स्थान पे वह यह ई या ई के स्थान पे यह और उ या उ के स्थान पे वह तो इसके उदाहरण ये हो गए इसके तरह ये हो गए ठीक है। अब तीसरा अब आता है यण संधि का तीसरा नियम। पहले नियम में ई या ई के बाद में असमान सुर आए तो ई के स्थान पे यह। दूसरा नियम था ई या उ के बाद में असमान सुर आए तो उ के स्थान पे वह। अब तीसरा नियम है री री मतलब ऋषि री या री के स्थान पे असमान सुर आए तो री के स्थान पे रह हो जाएगा। इसका उदाहरण देखो धात्री घन अंश है धात्री घन अंश है इसमें धात्री में त्री में री और इधर असमान सुर है अ तो री को जाएगा रह री को रह जाएगा री को रह तो बन जाएगा धा त र और अंश है तो तय और रह तय और रह से मिलके एक संयुक्त वर्ण बनता है त्रय तो बन जाएगा त्रय धात्र और अंश मिल जाएगा धात्र अंश है क्या बन जाएगा धात्र अंश है। इसी प्रकार मातृ परस उपदेश है मातृ में त्रि में री री के स्थान पे हो जाएगा री के बाद में उ आ रहा है असमान सुर आ रहा है री के स्थान पे हो जाएगा र तो अपन जाएगा मा मात री के स्थान पे रह मात रह और उपदेश है और तय रह तय और रह से संयुक्त वर्ण बन जाएगा त्रय तो मात्र और उ मिल जाएगा मातृपदेश है क्या बन जाएगा मातृपदेश है और इधर बन जाएगा भात्रंश है ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया। इसके बाद में अब है चौथा नियम अंतिम नियम है द्री द्री के स्थान द्री के बाद में असमान सुर आएगा द्री के बाद में असमान सुर आएगा द्री के स्थान पे क्या हो जाएगा ल हो जाएगा द्री के स्थान पे ल द्री के बाद में असमान सुर आएगा ठीक है। तो देखो इसमें द्री द्री आ गया इसके बाद में आकृति द्री के बाद में आकृति असमान सुर है द्री के बाद में द्री है नहीं असमान सुर है आ है तो द्री के स्थान पे क्या हो जाएगा ल द्री के स्थान पे क्या हो जाएगा ल। अब ल और ल में ल रहता है इसमें मिल जाएगा आ तो ला लाकृति क्या बन जाएगा लाकृति ठीक है। इसके बाद में द्री प्लस अनुबंध है द्री प्लस अनुबंध है द्री द्री के बाद में आ रहा है असमान सुर आ रहा है तो द्री के स्थान पे ल ठीक है ल हो गया तो ल में मिल जाएगा अनुबंध का है तो लनुबंध है लनुबंध है लनुबंध है लाकृति और लनुबंध है ठीक है। ये आपकी यण संधि जो है वो पूर्ण हुई चार चारों नियम थे इनके चारों नियम ई इक मतलब ई ऊ री और दी इनके स्थान पे य यण य व र और ल हो गया ठीक है। ये आपकी जो है यण संधि पूर्ण हुई चार नियम की जो संधि।
हिंदी यण संधि, ये इसको आपको याद करना है और होमवर्क में भी करना है। होमवर्क के लिए आपको नोट्स जो है, नोट्स फोटो कॉपी जो है वो मिल जाएगी आपको। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।